प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी से ग्रामीण हो रहे हैं अंतरिष्टि के लिए परेशान। पूर्व सरपंच श्रीमती छोटे पिट्टो एवं सचिव प्रमोद त्यागी द्वारा शासन की योजनाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। मुक्तिधाम के नाम पर वर्ष 2012 व 13 में 94,000 शासन द्वारा स्वीकृत किए गए थे, जिनका उपयोग सरपंच द्वारा मुक्तिधाम का निर्माण न करवा कर पैसा दुरुपयोग किया जा चुका है। ग्रामीणों को अंत्येष्टियों के लिए इस तरह शेड लगाकर काम चलाना पड़ रहा है। ऐसे में प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं कि इस तरह भ्रष्टाचार की जड़ें कहां तक फैली हुई है। नाम क्या दादा? राजपाल सिंह। अच्छा, कौन सा गांव? लावली मंदिर का परा। क्या? अच्छा, ये यहां पे क्या आपके गांव में मरघट नहीं है? मरघट तो है, वो चम्मिल किनारे बहुत दूर है। अच्छा, लेकिन वहां व्यवस्था तो कुछ है ही नहीं। मतलब शासकीय कोई मरघट नहीं है पंचायत में? पंचायत में तो हाई नॉलेज में तो नहीं। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे जो चादर दिख रहे हैं वो क्यों लाए गए थे ट्रैक्टर पे रखे हुए? ये तो बारिश की वजह से पानी गिर रहा था, उसकी छाया के लिए लाए गए। अच्छा अच्छा, नाम क्या दादा? सुमन सिंह तोमर। कौन सी पंचायत है? सिलावली पंचायत मजरा मंदिर का पूरा सिलावली। अच्छा, ये बरसात के मौसम में डेड बॉडी यहाँ पे लाई गई है और ये अपने खेतों पर जलाई गई है, तो क्या यह पंचायत में कोई मरघट वगैरह? मरघट तो है नहीं, अगले एक मरघट है वो भी अधूरा पड़ा है, उसका पता नहीं बना है कि नहीं है। अच्छा, तो मतलब वो मरघट किसका, किस पंचवर्षीय योजना का है? वो संजू सिंह की पंचवर्षीय योजना में है और ताले के पुरा के बीच में बना है, वो अधूरा पड़ा है। अच्छा, उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं है और नरे के पुरा से तो ये मुर्दा भी नहीं आ पाते, इतनी व्यवस्था खराब है। अच्छा अच्छा, तो उसमें जो बना हुआ है उसमें क्या समस्या है? क्या वहाँ पे टीन सेट वगैरह और कोई चीज़? नहीं नहीं, कुछ नहीं है वहाँ, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि पैसा यहाँ पे पूरा निकल लिया गया है, ये हमें पता नहीं है। अच्छा अच्छा।